मुझको ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये कक्ष अभी इसी क्षण भस्म होने वाला है। भस्म। आइए मेरे नेत्रों में देखिए। ये सब क्या हो रहा है? विभीषण, ये सब क्या हो रहा है? ये है त्रिजटा। माया सृष्ट, भय दृष्ट। त्रिजटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक विशेष कार्य है। जाओ उसे ऐसा भविष्य दिखाओ जिसमें उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वो मेरी रानी बन गई है। अवश्य। विभीषण, जानते हो मुझे दशानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे चतुराई में पराजित करना असंभव है। मेरे 10 शीश 10-10 संकटों का सामना एक साथ कर सकते हैं। जैसे अभी यहां इस भवन में षड्यंत्र रचा जा रहा है और वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, पर मैं पूर्णतः तैयार हूं। अब मैं सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनाऊंगी, सबसे शक्तिशाली, और वो अस्त्र होगी एक स्त्री। सब मेरी सोच से आगे रहने का प्रयास करते रहते हैं, मेरी सोच से। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, किंतु क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? विजयी वो होता है जो विरोधी के आक्रमण को पहले ही समझ ले। हो सकता है कि विरोधी आप पर आक्रमण करने के बारे में विचार ही नहीं कर रहा हो, क्योंकि उसे उसकी
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तो अर्थात हो सकता है कि आप विरोधी की युक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो, मगर वास्तव में आपका युद्ध भक्ति और भक्ति की शक्ति से हो तो इसीलिए मुझे दुख होता है। मुझे लगता है इस स्त्री का भाग्य है संसार का बड़े से बड़ा सुख इस स्त्री की प्रतीक्षा कर रहा है। लंकेश की पत्नी होने का सौभाग्य इस स्त्री की प्रतीक्षा कर रहा है। रावण का प्रेम इस स्त्री की प्रतीक्षा कर रहा है। और ये यहाँ इस भूल भुलैया में रहना चाहती है। यदि कोई अन्य स्त्री होती तो यह उससे झपट लेती। हो सकता है अभी तुम्हें लंकेश के प्रस्ताव का महत्व समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाऊंगी, मैं दिखाऊंगी तुम्हें तुम्हारा भाग्य। देखो मेरे नेत्रों में, देखो तुम्हें तुम्हारा भाग्य दिखाई देगा।